आज के कैंप का मकसद है आप लोगों को फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग देना, ताकि अचानक कहीं आग लग जाए तो आप लोग आग बुझा सकें और जान माल के नुकसान से लोगों को बचा सकें। अब देखिए इस आग को फायर एक्सटिंग्विशर से कैसे बुझाते हैं। ये देखिए, इस तरह इसे खोलते हैं और ये बटन दबाते हैं तो इसके अंदर से फोम निकलता है और आग बुझ जाती है। चलिए मैं ट्राई करता हूँ। अरे क्या कर रहे हो, आग यहाँ नहीं लगी है। अरे तू रोको इसे। सॉरी, मेरा हाथ अपने आप ही घूम गया। सॉरी सर, वेरी सॉरी। अब मैं आपको बताऊंगा पानी के टैंकर से पाइप निकाल के आग बुझाने का तरीका। हमें ये मालूम है सर, हम पहले कई बार पानी के टैंकर का इस्तेमाल कर चुके हैं। अच्छा ठीक है, दिखाओ। नीचे करो, मुझे नीचे करो। तुम दोनों मेरे पीछे क्यों पड़े हो? पानी बंद करो, जल्दी पानी बंद करो। पानी ऑन करो, पानी ऑन करो। बचाओ, कोई इन दोनों को भगाओ और मुझे बचाओ। मोटू पतलू, तुम दोनों साइड में हो जाओ। अब टीम लीडर को तंग मत करो। बस अब देखिए, सेफ्टी नेट ऐसे पकड़ा जाता है जैसे नीचे लोगों ने पकड़ा हुआ है। कौन कौन सेफ्टी नेट पकड़ने की प्रैक्टिस करना चाहता है बताइए। हम पकड़ेंगे। ओके, इसे कस के पकड़ना और देखना मैं कैसे जंप मारता हूँ। एक मिनट। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? सेफ्टी नेट क्यों छोड़ दिया? मैं ये पूछना चाहता था कि ये सेफ्टी नेट मजबूत तो है ना? मजबूत नहीं होता तो मैं कूदता क्या? चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें एक मिनट भी यहाँ नहीं रहने दूंगा, वरना ट्रेनिंग बंद। जाओ। ओ मोटू मेरे यार, मेरे भाई, तुम चले जाओ, दूर से देखो वरना ये ट्रेनिंग बंद कर देगा यार। जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ पतलू, लेकिन सीखने का मन तो मेरा है। चलो टैंकर के अंदर से छुप के देखते हैं कि वो क्या सिखा रहा है। ये देखिए, इस सीढ़ी को बहुत ऊंचा किया जा सकता है ताकि ऊंची ऊंची बिल्डिंग से लोगों को बचाया जा सके। अरे दिख नहीं रहा कि वो क्या बता रहा है। अरे ये क्या हो रहा है? अरे रोक तो, अरे क्या कर रहा है ये? अरे अंदर कौन है? बचाओ। लगता है फिर कुछ हो गया। नीचे उतारो, जान प्यारी है तो भागो। जॉन बनेगा डॉन। सबको फायर फाइटर बनने का शौक चढ़ा है। मैं पूरे जंगल में आग लगा देता हूँ, सब लोग आग बुझाने जाएंगे और हम खुरपुरी नगर को आराम से लूटेंगे। वाह बॉस वाह, बहुत अच्छा आइडिया है। Hey!
अगर वो आग बढ़ गई तो पूरपुरी नगर तक आ सकती है। चंदम सर रुको, तुमको बाइक में बैठने को कहा था, जमीन पे क्यों बैठे हो? जल्दी बाइक में बैठो। जंगल, हम आ रहे हैं आग बुझाने। ये तो मेरे डायलॉग है, बार बार जमीन पे बैठ के मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अब सब लोग आग बुझाने में बिजी हैं। चलो हम अपना काम शुरू करते हैं। जान बनेगा डान, जान बनेगा डान। नहीं, हम आ गए हैं। अभी तक तो चिंता नहीं थी, लेकिन अब शुरू हो गई है। सर, आपने पानी का पाइप तो हाथ में लिया है, लेकिन पानी नहीं डाल रहे, क्यों? सामने से पानी डालने से कुछ नहीं होगा, पूरे जंगल पे पानी नहीं पड़ेगा। किसी तरह ऊपर से पानी और फायर एक्सटिंग्विशर का फोम डाल सके तो बात बन सकती है। मैं ये पाइप लपेट देता हूँ, तब तक आप लोग ऊपर से पानी डालने का आइडिया सोचो। क्या कर रहे हो? रोको! सर सर, मैंने पाइप लपेट दिया है। मुझे मालूम है तुम दोनों मेरा पीछा कब छोड़ोगे। सॉरी सॉरी सर, वेरी वेरी सॉरी सर। मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ कर दो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती पतलू, तुम ही सोचो ये आग कैसे बुझाए। आइडिया, चलो अब ऊपर से पानी डाल के आग बुझाते हैं। ये दोनों मुझे ऊपर वाले के पास भेज के ही रहेंगे। अरे रोना धोना छोड़ो और जंगल की आग में पानी डालो। उतारो उतारो, ये फ्लाइंग टैंकर नहीं है। मम्मी, पतलू पानी कम हो रहा है, टैंकर के नीचे पानी है, पाइप पानी खींच नहीं पा रहा, टैंकर को उल्टा कर दो। मम्मी प्लीज प्लीज मम्मी, नहीं नहीं उल्टा मत करना। मेरा 20 साल का तजुर्बा में ऐसा कभी नहीं हुआ। मोटू पतलू के साथ कुछ भी सीधी तरह से नहीं होता यार। ओए माँ, कोई चीखो चिल्लाओ मत, मेरा हाथ छूट जाएगा। ए पतलू, स्टॉप स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ, तुम एक बार तो माता की कसम। अरे क्या बात है, आग बुझ गई, पतलू टैक्सी भी कराओ। पतलू वो देखो,
जॉन कितने बैग्स लेकर खड़ा है, लगता है उसने पूरा फुरफुरी नगर को लूट लिया है। चलो उससे भी हेलो कर लेते हैं। सॉरी, बस करो, मैं तुम्हें आधा माल दे दूंगा। सॉरी, फिर से आधा माल नहीं लोगे? सॉरी, मैं सरेंडर करता हूँ। पुलिस, पुलिस! अरे मिस चिंगम, चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल। मोटू पतलू, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम दोनों ने आग बुझा दी। तुम दोनों के तरीके अलग हैं, लेकिन उनके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तुम दोनों बहुत बहादुर हो। मैं तुम दोनों को फायर फाइटर का सर्टिफिकेट दूंगा और सरकार से इनाम भी दिलवाऊंगा। थैंक यू सर। ये बीच सड़क पे भालू कहाँ से आ गया? कोई आवाज मत करना। बुढ़ी बाबा, उसको ये सड़क ही मिली थी सोने के लिए। क्या कर रहे हो, वो जाग जाएगा। वो सो रहा है, लेकिन ये जागा हुआ है। अरे इतना घबरा क्यों रहे हो, बस आवाज मत करो। अरे तू बार बार हॉर्न बजा रहे हो। देखो, जंगल के अंदर एक कीड़ा। कौन हो सकता है अंदर? अरे कोई है, दरवाजा खोलो। हम शहर से वापस आ रहे थे, रास्ता भटक गया है। क्या एक रात हम यहाँ बिता सकते हैं? आ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ कुछ छूना मत। ये जादूगर लोटन का किला है, वो वर्ल्ड टूर पर गए हैं। यहाँ हर चीज में जादू है। मैं चाय नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ, पर ध्यान रहे, कुछ छूना मत। कुछ तस्वीरें ही देख ले। हाँ, अरे देखे तो ये जादूगर दिखता कैसे था। नहीं मुझू। तो बुक बंद करो, देखो बुक खोलने से कुछ कुछ हो रहा है। मैंने मना किया था किसी चीज को हाथ मत लगाना। एल्बम बंद करो, बंद करो। इस घमंडी बॉक्सर को जादूगर लोटन ने इस एल्बम में कैद कर दिया था। वो इसका अहंकार दूर करना चाहते थे। बल्लू बॉक्सर को इस एल्बम से बाहर निकालने का मतलब है तुमने मुझे बॉक्सिंग के लिए ललकारा है। आ जाओ, बल्लू बॉक्सर कभी किसी से नहीं आता। आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। बल्लू, तुम नहीं सुधरोगे, अभी भी वैसे के वैसे ही घमंडी हो। ऐसे हो ओल्ड मैन। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ चोर चोरी करने आए थे, उनसे गलती से एल्बम खुल गई और वो घबरा के भाग गए हैं। अरे चोर किसे कहा? बल्लू भैया, हम चोर नहीं है, चाहो तो मेरे दोस्तों से पूछ लो। मैं तो तुम्हें बचा रहा था, अब खुद ही फंस गए। अब भागो यहाँ से जल्दी से, वरना जो भी इससे लड़के हारेगा वो इस एल्बम में कैद हो जाएगा और इसकी उम्र और साइज बढ़ता जाएगा। मैं भागने दूंगा तब ना। आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। Oh, my God.
यहाँ से बच के नहीं जा सकते। झाड़ू, गेट बंद होने से पहले बाहर निकल जाओ, जल्दी। ओ कसम मेरे मरीजों की, अब उस किले में कभी नहीं जाऊंगा। आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। सबसे पहले तुम मुझसे लड़ोगे, फिर ये लोग। Come on, box, box. बुड़ी बाबा, हम बॉक्सिंग नहीं कर सकते। मुझे पतलू बचाओ, हम उन्हें बचाओ। I am the best. I am the greatest. अब कौन लड़ेगा? तुम लड़ोगे, दुबले पतले आदमी। मैं नहीं लड़ सकता, मैं नहीं लड़ूंगा। अरे कहाँ फंसा दिया यार? अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम्हें कुछ सोचो। आइडिया, अपना बॉक्सर अभी रिंग में प्रैक्टिस करता ही होगा, वही इसे हरा सकता है। चिंगम सर, बॉक्सिंग रिंग में चलो जल्दी, रास्ते में हम आपको सब बताते हैं। अरे जल्दी चलो। ओके ओके, डोंट शाउट। यकीन नहीं हो रहा, ये सच है। बॉक्सर भैया, आपसे कुछ जरूरी काम है। बोलो बोलो, क्या काम है? ये क्या काम है, बोल रहा है। अरे बोलने दोगे तब तो बोलेंगे ना। एक बॉक्सर ने आपको चैलेंज किया है, वो फाइट के लिए आता ही होगा। अरे मुझसे लड़ने की हिम्मत किस में है? मुझ में है। I am the greatest. ये तो इतना बड़ा है, आदमी है कि राक्षस, इसे नहीं डरूंगा। Stop! Stop in the name of law! मुझे नारियल पानी बहुत अच्छा लगता है। आज से तुम मेरे दोस्त हो। मेरे सारे दोस्त एल्बम में कैद है, वो बाहर कैसे आएंगे? जब कोई बल्लू को हरा देगा तो बल्लू एल्बम में कैद हो जाएगा और बाकी सब बाहर आ जाएंगे। मैं लड़ूंगा तुमसे, मुझे मेरे दोस्तों को बचाना है। मोटू, तुम बल्लू से नहीं जीत सकते। ये मेरे दोस्तों का सवाल है और फुरफुरी नगर के लोगों की इज्जत का सवाल है। ये सबको हरा हरा के एल्बम में बंद करता रहेगा और अपना बदन बड़ा करता रहेगा। अरे मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। I like it. I am the best. I am the greatest. Come on, box. I am the best. I am the greatest. Come on, fight. रहा
मेरे पंचेस तो इसको असर ही नहीं कर रहे। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम्हें कुछ सोचो आइडिया। मैं अभी आया। मोटू ये लो मोटू, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। जय हो। अब तुम मारो, तुम्हारी बारी। मेरे इतने पंचेस खा के भी कैसे खड़े हो? अरे मैं पंचेस खा के नहीं, समोसे खा के खड़ा हूँ। आप देखो मेरे पंचेस का कमाल। मैं हार गया, बस और नहीं। यू आर द बेस्ट, यू आर द ग्रेटेस्ट। पतलू तुम लोग बहुत बहादुर हो। मोटू तुम बहादुर ही नहीं बल्कि अच्छे इंसान हो, क्योंकि तुमने अपने दोस्तों के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। मैं अब चलता हूँ, ये एल्बम ले जाके वापस रखनी है। किसी दिन तुम सब आओ, अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाऊंगा।